दस बारह तेरह नेशनल लेवल के स्टार्स जो नेशनल टीम में खेल रहे हैं जो इंटरनेशनल स्टार्स हैं वो भी खेल रहे थे लेकिन इस पूरे टूर्नामेंट में वो इंटरनेशनल स्टार्स हाईलाइट नहीं हो सके नहीं हो वो सके। ऐसे ही लगा है कि ये सारे आपस में डोमेस्टिक ही बच्चे खेल रहे हैं किए स्टैंड नहीं किए ऐसे ही, 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 ही है बिल्कुल अब अगर अब अगर इसी डोमेस्टिक कप में विराट या रोहित शर्मा साहब खेल रहे होते वो कम से कम एक डबल हंड्रेड दोनों दो दो सौ रन मार चुके होते बॉलर्स को क्या वजह है कि हमारा कोई स्टार जो कि हमने जितने वो है उसे उनको हजार गुना किया तो ये उनके लिए तो ये बच्चे ही है ना नए डोमेस्टिक जो खेल उनका कॉन्फिडेंस लेवल वो नहीं हो सकता जो इंटरनेशनल खिलाड़ी का तो वो फिर स्टैंड आउट क्यों नहीं कर रहे आपने इस कप में स्पीड गन क्यों नहीं रखी मुझे सबसे पहले तो ये चीज की सही बात है कि आप एक्सपोज हो जाएंगे की आपके पास 90 माइल्स का कोई बॉलर नहीं है शोएब अख्तर कहता था कि 90 माइल तो मेरी एवरेज स्पीड है जी तो यानी कि वो आपका एक बॉलर इस पर नाइन्टी पे नहीं कर सकता इसलिए स्पीड करनी है आपका डी सिस्टम इतना बड़ा टूर्नामेंट आपका डी सिस्टम ही नहीं था स्नेकोमीटर नहीं था फिर आप अगर पैसा इतना खर्चते आपने चालीस अरब का स्टेडियम बनवाया आप इंटरनेशनल एम्पायर बुलाते आपने देखा मेरे कितनी गंदी एम्पायरिंग जो बॉल लेग से डाउन जाती थी अपील के प्रेशर में एम्पायर आउट दे जा रहे थे बेशुमार मैंने देखे गलत आउट क्या किस किस्म का टूर्नामेंट था ये एम्पायर प्रेशर ही नहीं ले रहा था क्लाउड क्योंकि वो वो आई डोंट नो गलत आउट दिए जा रहे हैं कैच पकड़े भी जा रहे हैं और गिर भी रहे हैं यानी कि टोटल तीर तुक्का अल्लाह के हवाले अल्लाह के सपोर्ट था सिस्टम और जो नए बच्चे जिन्होंने कुछ बेहतर परफॉर्म किए जैसे वो अब्दुल समद हो गया या एक न्याजी है लड़कों हाँ, उसने ये मुल्क न्याजियों ने बचाना वैसे बताऊ आपको तो वो जो न्याजी है ना वो न्याजी को लेकर आए टीम में और चाचा जान को भेज दें पका पका पोते पोते का खेले अब वो न्याजी उसकी जगह पे आ जाएगा उसको बिठाएं उसको कनेक्शन कैंप में लाए ना नए बॉयज और पुराने बॉयज को बिठा के एक कनेक्टिंग कैंप होता ये सीनियर्स है यू पीपल आर द न्यू लॉट ब्लैंड इन जेलन ये क्या? अच्छा सलमान साहब ये न्याजियों ने मुल्क बचाना है इस पर मैं थोड़ा सा ये, क्रिकेट का जो नुकसान है ये भी न्याजियों ने किया टीम्स के अंदर जो इसको मतलब कैद करने के बाद जो हमारी क्रिकेट का डाउनफॉल आया है मुझे वो भी इन्हीं की दे आपका जो अभी एक जेन्युइन फास्ट बॉलर था ना शाह वो भी अफरीदी है तो वो भी आप उसको बिल्कुल की तरफ लेके जा रहे हैं बिल्कुल उसको स्लो के अब ये बताए ना कि कोच क्या कर करे गिलेस्पी साहब ये पूछे उससे हाँ। गैरी क्वेश्चन पूछे उससे उसको देर इज समथिंग दैट इज बॉदरिंग हिम और आई एम डेड श्योर अबाउट इट कि ये ग्रुपिंग है जो उसके बैक ऑफ माइंड में उसको फोकस मैं आपको बताऊं अगर मैं हम पॉलिटिक्स में एक ऐसी मीटिंग में बैठते हैं कि हमारा एंटी ग्रुप बैठा होता है हमारे दिल ही नहीं करता बात करने को हमारे लोकल लेवल पे मेरे जो पीटीआई में मुखालिफ लोग हैं हम नहीं बैठ के बात करते हैं उनसे इससे ये आपका स्टार था आप इससे पूछिए आपको क्या चीज तंग कर ये को मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था ये कोच ने पूछना है ये इतने महंगे गोरे रखे हुए ये मोहसिन नकवी सा बुला के पूछू आपका एसेट था आप उसको खत्म कर लेना बिल्कुल खत्म कर लेंगे और सिर्फ उसको मेंटल टॉर्चर मिल रहा है किसी ना किसी ग्रुप से जो वो परफॉर्म नहीं कर पा ही है, दिल्कुल दिल्कुल आपका एक विकेट टेकर प्लेयर था विकेट टेकर नहीं लोग डरते हाँ। थे उससे हाँ। इंडिया वाले घबराते थे एक जमाने कि यार ये हमें तंग करेंग करेगा और करता भी था अब आपका कौन सा बॉलर है डेढ़ सौ वाला हम कहते थे ना वो फास्ट बॉलर अगर स्पीड लगी होती मीरब 136.75 ये आपके पीक बॉलर्स की पेस थी अगर एक बॉल आप 140 45 पे कर भी दे, मैंने उस बॉल का क्या करना क्या करना है मुझे तो रेगुलर फिट फास्ट बॉलर्स चाहिए इस टीम में वो है ही नहीं आपके पास बस ये निशान ये जो कनेक्शन कैंप लगाया गया मैं कल से इसको कन्फ्यूजन कैंप कह रही हूँ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हमारा माइंड जो है ना इसको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की जा रही है हम जब बात करते हैं ना इनके इनकी मिस्टेक्स के ऊपर क्योंकि देखें मैं एक बात समझती हूँ कि जो आपका व्यूअर है यानी जो आपका स्पेक्टेटर है उसको बहुत नॉलेज है आज वो दौर नहीं है कि आप जो भी दिखा रहे हैं वो देख तालियां मारेगा उसके ऊपर ही नोज ईच एंड एवरी हम जब बात करते हैं हमें बता रहे होते हैं लोग कि नॉट दैट प्लेयर वाई नॉट दैट प्लेयर तो उसको आप कन्फ्यूज नहीं कर सकते

जितने भी आए हैं मैं हमेशा कहता हूँ कि द लीडर वुड वांट टू फेल हिमसेल्फ सेल्फ तो वो तो अच्छा डिसीजन करना चाहेगा ये सिर्फ बोर्ड ने इसलिए मीटिंग रखी है ताकि जिन लोगों का ध्यान अब देखिए अब आज हम कनेक्शन के हम की बात कर रहे हैं मीडिया भी कल से कनेक्शन कैंप की बात कर रहे हैं हाँ। और हम चैंपियंस चैंपियो उस भूल 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 तो वो परफॉर्मेंस को भुलाना और डाइवर्जन करने में चेयरमैन आता है, है ना ये पांच लोग गुलदस्ता पकड़ के पहले खड़े होते हैं करते हैं उनको एक कमरे में लेके जाते हैं पता नहीं क्या पढ़ते है उसके बाद ये सिर्फ ऑप्टिक्स है बोर्ड अपने आपको जस्टिफाई कर रहे हैं कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं हम नए से नया कर रहे बना रहे इस्तेमाल कर प्रॉब्लम अब अब जो मुझे समझ आ रही है कि बोर्ड से भी ज्यादा प्रॉब्लम चंद एक लड़कों में है जो अपनी डिटाई और अपनी ग्रुपिंग से अपनी जिदबाजी से बाहर नहीं आ वो आते हैं कि वो वो ऐसे एसेट बन गए कि उनके बगैर पाकिस्तानी क्रिकेट खत्म हो जाए इंडिस्पेंसिबल इंडिस्पेंसिबल जो बंदा ये समझना शुरू हो जाए ना ही और शी इज द रूट कॉज ऑफ एवरी प्रॉब्लम आप उसको देखें आपको खुदा ना खासा बॉडी में कैंसर हो जाए अल्लाह ना करे

बहुत नुकसान पहुंचाया नए लड़कों को उनको बैक करेंगे उनकी आदतें मत खराब कीजिएगा इस दफा उनको 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 बोर्ड मोनिटर करें उनको प्यार से रखें उनको यकीन दिलाएं कि आपका फ्यूचर सेफ है आप दो साल पाकिस्तान खेल के आपकी बाकी जिंदगी सॉर्टेड है कोई भी इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी कभी भी रिस्क नहीं करेगा कोई भी इंसान का बच्चा हो ना जहनी तौर पर वो कैश करेगा अपने मुल्क के लिए परफॉर्म वैल्यू करेगा।, अभी 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 पकड़ लें इस बीमारी को शायद क्रिकेट बात जाए इसमें सर एक ऐड करता कि मेरी आपको पता है हमारे प्लेयर्स के जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश है उसमें एक चैलेंज है इसमें कोई बुरी बात नहीं है ऐसी बात नहीं कनेक्शन कैंप लगा के आपने स्लाइड्स पे गैरी कर्सन साहब खड़े हुए और इंग्लिश में इतना चार लाइन की स्लाइड बनाई हुई है दो फोटोज आई रिमेंबर हिम टेलिंग मी कि यार जब पाकिस्तान के बैटर जल्दी आउट हो जाए करते थे ना तो इनको विकार इज ऑल्सो फ्राम बिहारी जूनर साहब कहते हैं वो कहते थे तो बैठे बैठे कि यार फिक्र नहीं करना मैं सबको आउट कर दूंगा हमें प्लेयर चाहिए थे ग्लेयर वाले फ्लेयर वाले ग्राउंड पे

मतलब मंतों पे और इन्हीं चीजों पे तो नहीं 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 है कि टॉस जीते ये करें बारिश हो 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 जाए 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 बादल कोई चलता को तो 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 चलता इस तरह परफॉर्मेंस चाहिए वो नहीं है इनके पर डोंट यू थिंक इसके अंदर बहुत ज्यादा जो रोल खराब है वो पिच का भी है मतलब आप एक फैसला जहां पर एक ऐसी पिच है मैं मतलब ये नहीं कहती हूँ कि ये ये इनको तो वो होना चाहिए कि इनको आप पहाड़ पर भी ले जाए तो ये वहाँ पर आपको खेल कर दिखाए बिकॉज दे आर सीनियर प्लेयर्स बट मैं वैसे एक बात कर रही हूँ कि अगर पिच आपको ये डिमांड कर रही है कि पहले जो भी खेलेगा उसका स्कोर हो जाए का उसके बाद कोई भी चेज की तरफ नहीं जा सकेगा तो इस तरह से हम टैलेंट कैसे प्रोड्यूस करेंगे हम नए बच्चों को क्यों वहां पर आ, मतलब जज करवा रहे हैं लोगों से कि जहां पर हमारे सीनियर प्लेयर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं वहां पर ये क्या करेंगे जो हमारे जूनियर प्लेयर्स हैं यंग टैलेंट पिच में कोई डीमन नहीं है पिच में 300 स्कोर हो रहा है चेज में 320 330 भी हो रहा है जब दो सौ अस्सी स्कोर हो रहा है तो चौहत्तर पर भी, भी टीम आउट हो रही है वन डे इज ऑल अबाउट पार्टनरशिप्स एक बड़ी नेम और दो छोटी पार्टनरशिप्स लगती हैं फोकस नहीं है उसको अप्लाई नहीं कर रहे आई रिमेंबर कौन सी पिच अच्छी है he used to tell कि यार जो pitch true bounce वाली है ना उस पर इंटरनेशनल क्रिकेटर को आउट नहीं होना चाहिए आप कहती हैं कि लोग कहते हैं जी पिचे अपी वो किसकी रिस्पांसिबिलिटी है बोर्ड की बोर्ड yes. अगर 40 अरब रुपया सिर्फ स्टैंड नए बना कज़ाफ़ी के तो उसको नहीं चाहिए था कि उनको वो पिच पिचों पे और थे. इतने पैसों में दो तीन अच्छे स्टेडियम और बना लेते छोटे शहरों में अब इस्लामाबाद का तो कह रहे हैं कैसे सब ये कह ही रहे ना ये फैसलाबाद की विकेट ठीक कर लेते हैं मुझे तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे तो इसमें टेक्निक ये सब इसलिए किया जाता है कि जो एग्जिस्टिंग कल्ट है ना वो खेल जाए और नया टैलेंट नीचे ही ना थोड़ी सी ट्रिकी विकेट पे वहीं पे क्रश होकर हम कहें जी यही कुछ हमारे पास था नीचे तो सब कचरा है आप फॉलो करिए मेरी बात और वही रिजल्ट सामने और वही रिजल्ट सामने आ रहे लेकिन हुआ क्या कि ऑपोजिट हो गया वो जो एग्जिस्टिंग इलेवन थे वो भी इनके साथ ब्लेंडेड होके ये उस लेवल के इनमें आठ दस खिलाड़ी ऐसे मौजूद थे जो इनके साथ के हैं उन पर मेहनत करें आप नई टीम बना लें लेकिन मैं ये नहीं कहता कि पूरे ग्यारह ही गिरा दें आप बाबर आजम को रख लें वो अब रिजवान को रख लें और बाकी शाहीन को रखें इसमें उसको ऐ, बाबर का कल्ट तोड़े ना उसको सिर्फ एक आधा लड़का दे बाकी सारे नहीं कर ले आप इनमें बड़े बड़े अच्छे लड़के हैं लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर था आकिब जॉनसन जैसा और मैं नहीं समझता प्लेयर्स जैसी उनको फैसिलिटीज मिली होंगी ऐसी कोचेस मिले होंगे जब वो थोड़ा सा ग्रूम होंगे बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे और अभी प्राइम एज में ये तो एक्सपायरी केस है ना सारे जैसे तो पुरानी पैकिंग और ये तो सारे वो चाचा इफ्तार ये तो सारे एक्सपायर अंदर ये अब जाके कोई बिजनेस करें और कोई रेडिया रूढ़िया लगाए इस टूर्नामेंट में पॉजिटिविटी भी बहुत है <laughs> बहुत से ऐसे लड़के मुझे नजर आए हैं जो मैं समझता हूँ कि बड़ा अच्छा फ्यूचर होल्ड करते हैं पाकिस्तान के लिए एक स्पिनर था उसने चार पांच आउट किए थे नाम स्पिनर आया था उसने शुरू में